एडिलेड में जब मंगलवार की सुबह टीम इंडिया अभ्यास करने के लिए आई तो सबकी नज़र थी कि भाई कौन कौन आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भी बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली की बात करें या फिर केएल राहुल की बात करें, वो नहीं आए। इनफैक्ट जो प्लेइंग 11 जो रेगुलर खेलते हैं उनमें से सिर्फ रोहित शर्मा, डीके और हार्दिक पांड्या, जिसमें दो बल्लेबाज तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में थोड़ी सी हलचल मचाई रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा सबसे पहले आए बल्लेबाजी करने के लिए, कुछ देर तक करीब 10-15 मिनट तक उन्होंने बैटिंग की थी और अचानक उनको एक गेंद जो है रघु जो है उन्होंने डाली तो उनको रिस्ट पे लगी, तो थोड़े से परेशान दिखे, विचलित दिखे और जैसे उनको चोट लगी हलचल मच गई। सब लोगों ने कहा कि भाई पता नहीं रोहित खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनकी इंजरी कैसी है। लेकिन रोहित गए, फिर थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, पैडी अपन आए, सब लोगों से बात की। टीम के हाव भाव को देख के लग रहा था कि वो कोई इतनी समस्या गंभीर नहीं है और ये हुआ एग्जैक्टली वही। आधे घंटे रोहित ने बात की, फिर उसका दोबारा ये सेशन में आए। लेकिन जो अच्छी चीज़ देखने को मिली, जब वो सेकेंड टाइम आए तो वो ज़्यादा बेटर लय में दिख रहे हैं, ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या कहें, उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि रोहित शर्मा के रन तो हुए लेकिन रोहित शर्मा के अंदाज़ में नहीं हुए, और हु नोस सेमीफाइनल और फाइनल दो बड़े गेम है, अगर रोहित शर्मा जिस तरह की बैटिंग नेट्स में कर रहे हैं, अगर उन्होंने मैच पिक कर दी तो बल्ले बल्ले इंडिया के।